तो वह बूटी आपको आश्रमों में मिलेगी निःशुल्क। वो खीर में डालकर थोड़ी देर चंद्रमा के किरणों में रखिए और फिर उसको खाइए और रात को सोइए नहीं, थोड़ा घूमिए, दमे में आराम हो जाएगा। दूसरा भी दमा मिटाने का प्रयोग है, अंग्रेजी दवाओं से दमा नहीं मिटता, लेकिन त्रिफला रसायन, त्रिफला 300 ग्राम, काले तिल का तेल 300 ग्राम, शहद 300 ग्राम, इसका मिश्रण 10-10 ग्राम सुबह शाम खाने से एक महीने में दमे का दम निकल जाता है। धातु की दुर्बलता इस युग की तो खास तकलीफ है। बड़े बूढ़े जवान देखो तो बस धातु दौर्बल्य, नाड़ी दौर्बल्य, रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर, जरा सा मौसम बदली खैंक खैंक, जरा सा मौसम बदली बुखार, जरा सा मौसम बदली बीमारी, जरा सा मौसम बदली परेशान। तो ये धातु पुष्टि भी होगी, धातु की दुर्बलता भी दूर होगी, पुरानी हेड की भी ठीक होगी, बुखार भी ठीक होगा, मंदाग्नि है हाजमा ठीक नहीं वो भी ठीक होगा, पेट में गैस बनता है वो भी ठीक होगा, कब्जियात है वो भी ठीक होगा, बवासीर है वो भी ठीक होगा, पेट के तमाम रोग और प्रदर, पानी पड़ने की बीमारी उससे भी पैदा होगा, मासिक धर्म की गड़बड़ियां भी ठीक होगी। अब जो समितियां आई है, बापूजी इधर इधर हमको प्रोग्राम दो, 8 साल हो गए बापूजी, 5 साल हो गए बापूजी, 3 साल हो गए, आप सभी की अर्जियां, फरमाइश, प्रार्थना मेरे ध्यान में, लेकिन मेरे को अभी दिवाली के पास 300 करोड़ की जमीन है, तू 125 करोड़ दे दे अभी, ले ले 125 बीघा जमीन। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, वो एक कोई जमीन ली थी पहाड़ी गायों के घास चारे के लिए और पब्लिक की सेवा के लिए, 150 एकड़ जमीन, 125 एकड़ थी, पहाड़ी था, नारायण ने ली थी, और ऐसा चमकाया के करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन है, अरबों रुपए के, तो 2 करोड़ ले आना, अभी भी बोल रहा हूँ ले आज 125 करोड़, तो कल वो जमीन का पोजीशन दिलाने की कोशिश करता हूँ, फिर 125 करोड़ भी तुम इसी सेवा में लगाना तो तुमको मैं दे दूंगा। कोई आता नहीं कुप्रचार करने के लिए, कुछ के कुछ बम छोड़ते, लेकिन जब मैं थोड़ा सा बोलता हूँ तो सामने कोई आता ही नहीं, अब मैं क्या करूं। बापू ने ऐसी गालियां दी, कोई मेरी गाली दी हुई तो दिखा दे, तेरे को 1 करोड़ इनाम देता हूं, जो बता ना सको ऐसी कोई गाली दी वो बता दे, तेरे बाप का ऐसे ही बोला तो उसको रिपीट करा के क्या क्या कुप्रचार करते हैं। हम कुप्रचार वालों के लिए भी बधाई देते, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे कंधों पे उठाकर जाते, और तेरे इल्जाम और कुप्रचार का फल ये हुआ है कि मेरी ग्राह की दिन दूनी रात चौनी बढ़ रही है। मुबारक है तुमको, शाबाश है, धन्यवाद। बापू के प्यारे जुटलाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते। हरि ओम ओम ओम, शक्ति भक्ति और मुक्ति। लेकिन रुको, खीर खाओगे कि डंडा खाओगे, वो कथा तो तुम मजे वाली होगे। आज सभी लोग खीर खाना दूसरी बात, थोड़ी बच जाए तो फ्रिज कर देना, दूसरे दिन भी काम आएगी, चंद्रमा के किरणों वाली खीर, लेकिन ठंडी ठंडी नहीं खाना, फिर थोड़ी गर्म कर लेना, बस ठीक है ना। डायबिटीज का इलाज फिर से बताता हूं, 0.5 किलो करेले तसले में काट दिए, भले मोटे हों पक्के हों, 2 रुपए किलो के फेंक देने जैसे हों, 0.5 किलो करेले अपने पैरों तले कुछ लो, 45 से 60 मिनट तक कुछ लो, मुंह कड़वा होने लगेगा, 7 दिन से 10 दिन तक का ये प्रयोग करो, डायबिटीज यूं भागती। इंसुलिन के इंजेक्शन लेते थे, उन लोगों ने भी ये प्रयोग किया, अब इंजेक्शन भी छूट गया, डायबिटीज भी छूट गई, संधिवाह हो गया, गठियावाह हो गया, उस बूढ़े काका को मंत्र दिया था, उस मंत्र से संधिवाह भी ठीक हो जाता। आज शाम को फिर से लाइव टेलीकास्ट होगा जी जागरण में, और A to Z चैनल वाले भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई रुपए पैसे मेरे से लेते बेचारे, नहीं, सेवा भाव से दिखाते हैं A to Z वाले, और बाकी के जो दिखाते हैं वो आपस में भक्त जाने वो जाने, मेरे को किसी से लेना भी नहीं देना भी नहीं, लेकिन जो भी ये देवी कार्य की सेवा करते हैं उन सबको बधाई हो। दूसरों तक अच्छी बात पहुंचाना ये भी अपने आप में बड़ा सत्कर्म है, शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, इसमें कोई भी दिखाते हैं तो आपस में
मेरा इतना टाइम हुआ, इतना फायदा होना चाहिए, रुपयों को मत गिनो, तुम्हारे कुल खानदान का और समाज का सबका मंगल हो रहा है, इसीलिए जो लाइव दिखा रहे हैं उनको और जो देख रहे हैं उनको सभी को मैं भगवान शिव जी के तरफ से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शिव जी के वचन आपके मुख से उच्चारित हूँ। शिव जी बोलते हैं, ए कैमरा वाला तेरे विद्यार्थियों की, तो भोजन के बाद मिश्री और मक्खन थोड़ा सा चाट लिया करें, बुद्धि बढ़ेगी। और बुद्धि बढ़ाने का एक उपाय सुंदर है, दिख रहा है क्या? इस प्रदेश में दिखेगी, इसलिए मैं लोभ कर रहा था। विदेशी लोग भी यमुना मैया का दीदार कर लें आज शरद पूनम के पर्व पे। हे यमुना जी के तट में बैठे हम, हे शाबाश है, आज मिठाई खिलाऊंगा भांजे। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बच्चों की याद शक्ति बढ़े इसके लिए एक चीज वेदों में से खोजी गई कि पलाश के फूल होते ना ऐसे, उसके पलाश के पत्ते, बिली पत्ते और गाय का घी, मिश्री और मिश्रण, उसका धूप करें और कमरा बंद करके उस धुएं में, उस धूप में प्राणायाम करें और सारस्वती मंत्र करें तो गजब की बुद्धि खुलेगी। लेकिन वो धूप की सारी लंबी चौड़ी विधि तुम कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो हमने उन चीजों की अगरबत्ती बनवाई है और वो अगरबत्ती आज मैंने जलाई भी थी एक आध। ये आइए, तो इसमें गाय का, देसी गाय का घी और पलाश के फूलों का, वो पलाश के पत्तों का और ये सब जो मिश्रण है, ये खाली अगरबत्ती जला दिया और कमरा बंद कर दिया। बुद्धि शक्ति और नाड़ियों की दुर्बलता दूर होती है, बुद्धि शक्ति बढ़ाने में काम देगी। वैदिक सुवास भी अच्छी सुहावनी है पहले की अगरबत्ती की अपेक्षा, पहले वाली भी है। पहले वाली में गाय के घी की दो बूंद डाल देना तो दो चार बूंद डालने से एक टन ऊर्जाई प्राणवायु बनेगा। जो शहरी वातावरण में रहते हैं उनके लिए गाय के घी की दो चार बूंद डाल दी और वो ऊर्जाई प्राणायाम बनाया, उस हवा बनी, उसमें श्वास उश्वास ले। और बुद्धि शक्ति बढ़ाने वाली ये पलाश के फूलों वाली, पलाश के पत्तों और बीली पत्ते वाली एक और श्वास ले। और दो चार बूंदे नाक में भी गाय का घी अगर लेते हैं तो मैं तो रोज लेता हूँ, इससे मस्तक तर रहता है, नाड़ियों में बल रहता है, यौवन